गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई ने बहुत बढ़िया कुछ लाइनें कही कि आप खुद को ढूंढ लें, बाकी सब तो गूगल ढूंढ के दे देगा। जी हां दोस्तों, आज स्वयं को ढूंढ लेना यानी स्वयं की खोज कर लेना ही मुश्किल है, बाकी सब कुछ आसान है। दोस्तों मुश्किल क्यों है स्वयं को ढूंढ लेना? क्योंकि हम स्वयं को ढूंढते हैं बाहर की दुनिया में। आज मैं आपको एक गाइडेड मेडिटेशन देता हूं जिसमें मैं आपको आपके अंदर का सफर करवाऊंगा और आपको आपसे रूबरू करवाऊंगा। अगले कुछ मिनटों में आप इस गाइडेड मेडिटेशन का आनंद ले पाएंगे और अपने स्ट्रेस, एंजाइटी और डिप्रेशन को पूरी तरह से कम कर पाएंगे। आप विचार रहित रहकर अपनी बॉडी के साथ एसोसिएट हो पाएंगे। उसके लिए आप किसी भी एकांत जगह पर बैठ जाएं, कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद करते हुए गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। एक और गहरी सांस लें और मुंह से छोड़ें। अब अपनी सांसों को नॉर्मल करते हुए अपनी सांसों पे ध्यान देने लगे। देखिए किस तरह आपकी सांसों के साथ एक ऑक्सीजन रूपी एनर्जी आपके शरीर में जा रही है और किस तरह आपके शरीर से स्ट्रेस, डिप्रेशन और एंजाइटी को लेते हुए गर्म सांस बाहर आ रही है। इन चीजों को ऑब्जर्व करते रहें। सांस को रोकने की कोशिश ना करें, सिर्फ उस पर ध्यान दें। एक बार फिर अपनी सांस पर ध्यान देते हुए देखें कि किस तरह ऑक्सीजन रूपी एनर्जी आपके सांस के साथ अंदर जा रही है, किस तरह वह सांस आपके शरीर की स्ट्रेस एंजाइटी को बाहर निकाल रहा है। सिर्फ इसके दृष्टा बने रहें। अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखें और सांस को देखते रहें। अब ध्यान दें कि आपकी सांस के साथ जो एनर्जी जा रही है वो एनर्जी किस तरह आपको एनर्जाइज कर रही है। अब अपनी सांस के साथ जो एनर्जी जा रही है उस एनर्जी का कोई कलर इमेजिन करें और देखें वो ऑक्सीजन रूपी एनर्जी किस कलर के रूप में है और इनहेल करते हुए देखें कि वो एनर्जी जब आपकी बॉडी में जा रही है तो आपकी बॉडी उस एनर्जी से उसी रंग की हो रही है। अपनी बॉडी को उस एनर्जी के रंग में रंगता हुआ देखें और देखें कि वो एनर्जी आपके लंग्स से किस तरह आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है, बह रही है, फैल रही है। हर नर्व में बहते हुए उस एनर्जी के कलर को देखें और देखें कि किस तरह से वो एनर्जी रूपी कलर आपकी हर सेल्स तक जा रहा है और किस तरह हर सेल्स को एनर्जाइज कर रहा है। हर सेल उस ऑक्सीजन को प्राप्त करके अपने आप में और हष्ट-पुष्ट हो रही है। आपकी बॉडी में ट्रेवल करती हुई उस एनर्जी को महसूस करें, देखते रहें। अब एक बार अपनी बॉडी की सेल्स से मुलाकात करने का सफर शुरू करें। सबसे पहले देखें कि आपके पैरों की सेल्स किस तरह की हैं, किस तरह उनके पास ऑक्सीजन पहुंच रही है, किस तरह उनके पास ब्लड पहुंच रहा है और हर सेल किस तरह अपने लिए पौष्टिक आहार बना रही है, किस तरह उनके पास प्रोटीन पहुंच रही है, किस तरह से वो अपने आप का पालन पोषण कर रही है। आज आप पहली बार अपनी सेल से मुलाकात कर रहे हैं। जिस भी उम्र के आप हैं उतनी उम्र आपकी होने के बावजूद आप आज पहली बार अपनी सेल्स से मिल रहे हैं। तो इमेजिन करें कि वो सेल्स कितनी खुश हो रही होंगी पहली बार अपने उस मालिक से
सेल्स बनाती हैं, उस बॉडी का मालिक पहली बार उन सेल से मिल रहा है, तो वो सेल बहुत खुश हो रही है। उनकी खुशी को महसूस करें और थैंक यू बोले उनको आपके शरीर को हमेशा हस्त खुश रखने के लिए। अब अपने ध्यान को अपने पैरों के ज्वाइंट से और कंधों के बीच में लेके आए, अपने लीवर से बात करें जो हर रोज आपकी बॉडी के पानी को फिल्टर कर रहा है। आपके पेट के आंतों को देखें, किस तरह से वो आपके खाने को डाइजेस्ट करती हैं और उसमें से जरूरी तत्व आपके लिए निकाल लेती हैं। अब अपने ध्यान को अपने हार्ट की तरफ लेके आए और देखें कि किस तरह से आपका हार्ट हर वक्त आपको एनर्जाइज करता रहता है, हर क्षण आपके लिए धड़कता रहता है। आज आप बिना किसी इंस्ट्रूमेंट के अपनी उस धड़कन को सुनने की कोशिश करें, महसूस करें किस तरह आपका दिल धड़क रहा है। किस तरह की आवाज सुन रहे हैं, ग्रेट। एक बार फिर अपने ध्यान को अपने गर्दन से ऊपर के हिस्से में लेके आए और देखें कि किस तरह से यहां पर ऑक्सीजन पहुंच रही है, किस तरह से हर सेल आपके लिए कार्यरत है। यहां पर हो रही अब अपने शरीर में हो रही सेंसेशंस को फील करें, किस तरह की संवेदनाएं आपके शरीर में हो रही हैं, आपके बहते हुए रक्त, आपकी रक्त की कणिकाओं में से बहते हुए रक्त को महसूस करें। आपकी छोटी नसों में से बहते हुए रक्त को महसूस करें, आपकी सेल्स की संवेदनाओं को भी महसूस करें। देखें किस तरह से पूरी बॉडी में एक झनझनाहट सी महसूस हो रही है, जो हर क्षण आपके साथ रहती है, परंतु आज आप पहली बार उसे फील कर रहे हैं। एक बार महसूस करें कि आपकी पूरी बॉडी पर टच होने वाले बाहर की हवा किस तरह से आपको टच कर रही है, आपके हर उस रोई को किस तरह से हिला रही है और आप कैसा महसूस कर रहे हैं। अपनी बॉडी के टेम्परेचर को महसूस करें कि पूरी बॉडी का टेम्परेचर कैसा है। इस टेम्परेचर को महसूस करते हुए अपनी बॉडी के अंदर एक बार फिर ट्रेवल करना शुरू करें, अपने मस्तिष्क से आपके गर्दन की ओर, गर्दन से नीचे की ओर धीरे धीरे अपनी बॉडी में ट्रेवल करें, हर अंग से मिलते हुए अपने पैरों तक आए और अपने पंजे तक पहुंचे। एक बार फिर नीचे से ऊपर की ओर ट्रेवल करना शुरू करें। और बात करते हुए चलें अपनी हर सेल्स तक,
और देखें यदि कोई सेल्स बीमार है या अलग कलर की है तो देखें कि आज आपके पास जो एनर्जी है उस एनर्जी से आप अपनी सेल्स को रिपेयर कर रहे हैं और आपकी पूरी बॉडी एकदम स्वस्थ हष्ट पुष्ट होती जा रही है और आप ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं और उससे नीचे की पूरी बॉडी एकदम स्वस्थ होती जा रही है। अपनी बॉडी के अंदर से ट्रेवल करते हुए आप एक बार फिर अपने मस्तिष्क तक पहुंचते हैं और अब आप देखते हैं कि आपकी पूरी बॉडी एक एनर्जी के रंग से रंगी हुई है। आप अपनी बॉडी को पूरी तरह से स्वस्थ देख रहे हैं। हर सांस के साथ आती हुई वो एनर्जी आपको हर क्षण स्वस्थ और स्वस्थ कर रही है और आपके शरीर के विकारों को बाहर निकलती हुई सांस अपने साथ लेकर बाहर निकल जाती है। इस मेडिटेशन को ध्यान करते हुए आप अपने आप को पूरी तरह से स्वस्थ रख सकते हैं। इसी तरह से आप अपने आप को कनेक्ट करें अपने माइंड से, आप अपने आप को कनेक्ट करें अपने थॉट्स से कि किस तरह से आप नई क्रिएटिविटी अपने अंदर रखते हैं, क्या विचार आपको और बेहतर तरीके की ओर ले जा सकता है, किस चीज का निर्णय आपको नहीं मिल पा रहा है, कौन सा ऐसा सवाल है जिसका समाधान आपको नहीं मिल पा रहा है, आज उस सवाल का समाधान अपने आप से पूछिए। आपको हर पल एक बेहतरीन जवाब आपको मिलेगा और जब भी आपको जवाब पसंद नहीं आता दूसरा जवाब आपको मिलेगा, वो भी पसंद नहीं आता तीसरा मिलेगा और आप अपने आप से सवाल करते रहिए। आपके अंदर जो ज्ञान का सागर है वो आपको नए नए रास्ते सुझाता रहेगा। जब आप मेडिटेशन में अपने आप से बात करते हैं तो आप नए नए आइडियाज आपको मिलते हैं, आप उन आइडियाज पर विश्वास करके उन पे काम करना शुरू करेंगे। यदि कोई आइडिया आपको पसंद नहीं आता तो आप दोबारा उस सवाल को रिपीट करें, आपको नया आइडिया मिलेगा। दोस्तों आज पुराण हो या कुरान वो सब मानव मस्तिष्क से ही निकला है, तो आज आप पहली बार आप अपने आप से कनेक्ट हुए हैं, इस तरह मेडिटेशन रेगुलर करते रहेंगे तो आप हर रोज अपने सवालों के जवाब ढूंढते रहेंगे। एक दिन ऐसा होगा कि आपके सवाल खत्म हो जाएंगे मगर आपके अंदर से आने वाले जवाब नहीं। इस तरह से आप अपने आप को कनेक्ट करें अपने साथ में और मेडिटेशन का भरपूर आनंद लें। अब जैसे ही आपको आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं और आप अपने मेडिटेशन से बाहर आना चाहते हैं तो आप धीरे धीरे अपने हाथ और पैरों की उंगलियां हिलाना शुरू करें। और अपने हाथों की हथेलियों को आपस में गर्म होने तक रगड़ें और उन गर्म हथेलियों के नीचे अपनी आंखों को धीरे धीरे खोलें। थैंक यू बोले अपने आप को कि आपने आज अपने अंदर का सफर किया और आपको कैसा महसूस हुआ वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं जल्दी ही अगले वीडियो के साथ। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप इसको अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स और अपने किसी भी नॉन व्यक्ति के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे।